असल में हमारे घर पे विधायक जी है नहीं, ये तो सारा कानपुर जानता है, पूरा प्रदेश। और थोड़ा जब 2 दिन पहले जो हादसा हुआ उसकी वजह से, और उसके पहले भी हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी बिल्कुल हो रही कर है, और जो है बच्चे स्कूल जा। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार देर रात हत्या हो गई थी। लेकिन अब अतीक की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी की चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर से एक पत्र लिखकर प्रार्थना की है। बता दें, इरफान सोलंकी की पत्नी ने सुरक्षा की चिंता को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को प्रार्थना पत्र लिख दिया है। उन्होंने सपा विधायक के लिए सुरक्षा की मांग की है। सपा विधायक की पत्नी ने कहा, उनके बच्चे स्कूल आते जाते हैं और उन्हें महाराजगंज जेल में भी आना जाना होता है। अतीक वाले कांड से वो भी बहमे हैं, इसलिए आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले कि हम आपको पूरा मामला बताएं, जरा ये वीडियो देखिए। असल में हमारे घर पे विधायक जी है नहीं, ये तो सारा कानपुर जानता है, पूरा प्रदेश। और थोड़ा जब 2 दिन पहले जो हादसा हुआ उसकी वजह से, और उसके पहले भी हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही बिल्कुल है, और जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काफ़ी हमें मतलब इनसिक्योर हो रहा है। अभी हम लोग सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें महाराजगंज आना जाना भी होता है, तो हम अकेली लेडी हैं, सफ़र कर रहे बच्चों के साथ, तो इसीलिए हम कमिश्नर साहब के पास आए थे सुरक्षा के हेतु बात करने। अतीक से भी विधायक जी की नजदीकियां थी जब वो कानपुर 2017 में चुनाव नहीं लड़ नहीं रहे नहीं थे, हमें तो मालूम भी तो नहीं घर भी कुछ। आए थे आपके? नहीं, हमारे घर नहीं आए थे वो, आप देखिएगा हमारे घर नहीं आए थे, और वो शायद पार्टी से जुड़े होंगे तो उस समय की बात थी, बाकी हमने तो उनको कभी ना देखा ना जिक्र हुआ हमारे घर में उनका, कभी भी हम लोग नहीं जानते। तो अतीक के हादसे के बाद से आपको नहीं? को नहीं लेकर नहीं, ऐसा नहीं है, वो 1 महीने पहले ही से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें असल में ज़्यादा ट्रैवल करना होता, महाराजगंज आना जाना, पिछले 4 महीने से विधायक जी वहीं हैं, तो मेरे सफ़र की वजह से हम बहुत ज़्यादा पड़े, और यहाँ कानपुर में भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई होता नहीं है उनको। विधायक जी को पुलिस जिस तरह से ला रही है रात में, तो कहीं ना कहीं एक डर भय का माहौल है, जिस तरह से हाँ बिल्कुल पुलिस है। कस्टडी में अधिक की मौत हो जाती है उसके बाद से, पहले भी था और अभी भी हम लोग बिल्कुल उनके साथ, एक गाड़ी 2 गाड़ी साथ में आती ही है। लगता है कोई भी दुर्घटना पुलिस के माध्यम से भी हो सकती है? नहीं, पुलिस को हम नहीं कहेंगे, ना सरकार को कुछ कह रहे हैं, पर फिर भी हमें डर लगता है। तो हम उनकी दुश्मनी थी? नहीं नहीं किसकी, विधायक जी की? विधायक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कोई वो नहीं है, बाकी हम लोग परिवार का एक गाड़ी तो साथ चलती है, क्योंकि हम लोग वैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर छोटे भाई अभी इनके साथ आए वहाँ से महाराजगंज से। खुद भी एक दो बार जब आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि कोई भी हादसा उनके साथ हो सकता है। अब हम विधायक जी की, तो आप विधायक जी से बैठ ले लीजिए। वहीं इरफान सोलंकी की पत्नी से पत्र मिलने के बाद जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इरफान की पत्नी आज कार्यालय में आई थी, उन्होंने अपने घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हम वहां पर सिक्योरिटी लगा देंगे, यह हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है कि हम सभी को सुरक्षा प्रदान करें। दरअसल इरफान सोलंकी बीते लंबे वक्त से जेल में बंद है, अभी उन्हें महाराजगंज जेल में रखा गया है। वहीं आपको बता दें, उन्हें बीते साल ही गिरफ्तार किया गया था। अब उन पर जाजमऊ इलाके में जमीन कब्जाने और एक घर में आग लगाने का आरोप लगा था। इसके अलावा गवाल टोली थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के साथ इरफान सोलंकी का उलझते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस में वो दरोगा के साथ झड़प करते हुए और अमर्यादित शब्दों को बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मामले में सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।